हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो अभी हम हमारा विजन आइज टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 3 है। टेस्ट नंबर 1 एंड 2 वी ऑलरेडी हैव सॉल्व, और इस टेस्ट सीरीज में हम ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले। चलिए ठीक है, तो मैं इसके 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 नहीं दिया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो पहले आप सॉल्व कर लें। और अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। चलिए, अब इसमें हमने जो है टोटल 10 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 से अब कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। अभी जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो एग्जैक्टली है क्या? देखिए, जब हम इंडिया का मैप देखते हैं वो कुछ इस तरह से है। अगर मैं ये साउथ इंडिया की बात करूं तो यही जो है ये आपका पेनिनसुलर, तो इसे इस एरिया की बात कर, ठीक है। इट इज अ कंटिन्यूअस स्टेबल ब्लॉक डिवाइड ऑफ एनी रिफ ऑन डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब यहां पे कहना है ये कंटिन्यूअस है, स्टेबल है ब्लॉक डिवाइड ऑफ एनी रिफ्ट, कोई भी रिफ्ट नहीं है या डाइवर्जेंट बाउंड्रीज नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए यहीं से तो नर्मदा तापी भी निकलती है, वो रिफ्ट वैली के थ्रू निकलती है। तो जिन्होंने ये बेसिक सी चीज पढ़ी होगी वो यहाँ पे ये क्या कर पाएंगे, इसे इजिली एलिमिनेट कर देते। तो ये जो है ये रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट करेक्ट। तो फर्स्ट तो नॉट करेक्ट, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं हम। इट इज फॉर्म विथ अ जनरल ग्रेडियंट ऑफ वेस्ट टू ईस्ट। तो इसमें बोला गया कि जनरल ग्रेडियंट, कि इस तरीके से ग्रेडियंट है, ढलाव जो है इसका ये इस साइड है वेस्ट टू ईस्ट। तो जो सारी आपने भी देखा होगा जितनी भी मेजर नदियां है, चाहे कावेरी रहे, कृष्णा रहे, गोदावरी रहे, वो वेस्ट टू ईस्ट साइड ही ट्रेवल करती है, ठीक है। तो ये जो आपका क्या हो गया, ये ऑप्शन इस हिसाब से ये डेफिनेटली करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका, इसका आंसर है ओनली ए, ओनली वन, क्योंकि ये जो है बस रॉन्ग है, ये आपका डेफिनेटली करेक्ट। तो क्लियर हो गया होगा। यही पे ही कुछ इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पेनिनसुलर इंडिया जो है इज ड्रेन्ड बाई 5 मेजर रिवर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नर एंड कावेरी। रफली ट्रायंगुलर होता है शेप में, जो कि आपको यहाँ पे ये दिखाया है मैंने, कोइंसाइडिंग विद द साउदर्न एज ऑफ ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। द अपेक्स ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट्यू कहाँ पे, कन्याकुमारी। तो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे कन्याकुमारी रहती, उसी की यहाँ पे बात की जा रही है। और बाकी जो वही है वेस्ट टू ईस्ट, इंडिकेटिंग इट्स जनरल स्लोप ग्रेडियंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और नर्मदा तापी जो एक्सेप्शन है, क्योंकि वो ईस्ट टू वेस्ट जाती है टू डाइवर्जेंट बाउंड्री रिफ्ट के कारण। और यहां बोला था कोई रिफ्ट है, डाइवर्जेंट नहीं है, तो ये गलत हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, रिलेटिवली अनडिस्ट्रीब्यूटेड बाय द क्रिस्टल मूवमेंट ऑफ द अर्थ फॉर्म्ड बाय हॉरिजॉन्टली बेडेड रॉक्स, दीज डिप्रेस्ड एरियाज मेकअप सम ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव नेचुरल लोलैंड ऑन द अर्थ सर्फेस। इसे क्या बेस्ट डिस्क्राइब करता है? तो देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप ये चीज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। इसका आंसर अदरवाइज अगर आपने नहीं किया तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देना, एक सही डिसीजन होता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका स्ट्रक्चरल प्लेन होगा। ओके, हम चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो ये चीजें, कोस्टल प्लेन तो हम समझते हैं, जो ये कोस्ट के आसपास जो ये प्लेन होते हैं कोस्टल प्लेन है। देखिए बाकी पेनी प्लेन, पेडी प्लेन, ये क्या है, स्ट्रक्चरल प्लेन तो हम यहां पे समझ गए, ये क्या होता है अभी हम ये देख लेते। देखिए, जो पेनी प्लेन है इज एन इरोजनल प्लेन कवर्ड बाय द एजेंट ऑफ इरोजन। ओके, अलग अलग जो इरोजन जिसके थ्रू होता है, रिवर हो गया, रेन हो गया, आइस हो गया, विंड हो गया, इसके कारण जो इरेग्युलरिटीज आती है अर्थ सरफेस पे, दे आर ऑलमोस्ट प्लेन, हेंस कॉल्ड पेनी प्लेन। जैसे आपने देखा होगा बारिश हो रही है, अगर मान लीजिए बारिश हो रही है, इस तरीके से जो रेन है नीचे आ रहा है, पानी की बूंदे जो है इस तरीके से नीचे आती जा रही है, और एक सरफेस है आपका अर्थ सरफेस, यहाँ पे गिरती है तो थोड़ी बहुत मिट्टियां जो ऊपर नीचे हो जाती है, बट ऊपर नीचे होती है, बट लगभग लगभग प्लेन ही होता है ना, ऐसा नहीं कि बहुत गड्ढा हो गया, कुछ ऐसी चीजें हो गई। या फिर जब रिवर भी बहती है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे समतल एरिया ना हो कि हल्का सा नीचे से आप उसका बेडशीट देखिएगा तो ये हल्का सा ऐसा होता है, बट स्टिल ये लगभग प्लेनी के आसपास है। ऐसे ही से आप नाम याद रख सकती है, पेनी प्लेन। ओके,
इसके बाद बात आती है पेडी प्लेन। अभी पेडी प्लेन क्या है? इट इज ऑल्सो एन इरोजनल प्लेन मैकेनिकल वेदरिंग इन एरिड एंड सेमी एरिड एरिया वियर्स बैक द माउंटेन स्लोप टू लीव जेंटली स्लोपिंग पेडिमेंट्स और पेडी प्लेन्स बट सम स्टीप हिल्स रिमेन विच आर कॉल्ड आइसलबर्ग। ओके, तो ये जो है आपका इरोजनल प्लेन होता है, मैकेनिकल वेदरिंग होती है इन एरिड एंड सेमी एरिड एरिया। आपने बहुत बार देखा होगा एरिड और सेमी एरिड जो एरिया होता है उसमें इस तरीके से थोड़े से गड्ढे टाइप भी हो जाते हैं, है ना, गड्ढे हो जाते हैं, टीले बन जाते हैं इस तरीके से। बहुत बार देखो एरिड एंड सेमी एरिड एरिया में इस तरीके से कभी कभी ऐसे टीले बन जाते हैं, ये चीज हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि लैंड जो है, अभी आप देख रहे हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो उतना ज्यादा यूनिफॉर्म है नहीं, तो ये पेनी प्लेन नहीं होगा, ये पेडी प्लेन हो जाएगा। ओके, अब अगर बात की जाए स्ट्रक्चरल प्लेन, तो यहां पे वैसे दिया ही हुआ है कि दीज आर स्ट्रक्चरली डिप्रेस्ड एरिया ऑफ द वर्ल्ड दैट मेकअप ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव नेचुरल लो लैंड ऑन द अर्थ सर्फेस। दे आर फॉर्म्ड बाई हॉरिजेंटली बेडेड रॉक्स रिलेटिवली अनडिस्ट्रीब्यूटेड बाई द क्रिस्टल मूवमेंट ऑफ द। तो जो इस तरीके के होते हैं वो आपके स्ट्रक्चरल प्लेन होते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विथ रेफरेंस टू शीट इरोजन कंसीडर द फॉलोइंग। अब अभी शीट इरोजन की बात कर रहा है। शीट इरोजन क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ सॉइल इरोजन। तो अब ये क्या है? इट टेक्स प्लेस ऑन लेवल लैंड्स आफ्टर अ हेवी शावर, मतलब बहुत बारिश जब हो जाती है तेजी से तब ये शीट इरोजन होता है, ऐसा पहला स्टेटमेंट का कहना है। सेकेंड, इट रिमूव्स द फाइनर एंड मोस्ट फर्टाइल टॉप सॉइल, तो जो फर्टाइल जो टॉप सॉइल होती है इसे रिमूव कर देता है, सेकेंड ऑप्शन का कहना है। थर्ड, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बैंडलैंड टोपोलॉजी, ये बैंडलैंड टोपोलॉजी बना देता है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट का कहना है। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इट टेक्स प्लेस ऑन लेवल लैंड आफ्टर हेवी शावर। यस, जब बहुत ही हेवी शावर हो जाता है, बहुत तेजी से जब बारिश होने लगती है, जब बहुत ही ज्यादा तेजी से जो है आपकी बारिश होने लगेगी, तो उस समय क्या होगा? तेजी से बारिश हो रही है इस तरीके से, तो अब क्या ये जो एरिया है इस पे स्प्लैश पड़ेगा इतना ज्यादा, ये होगा कि पूरा शीट ही इरोड हो जाएगी, यहां जितने भी आपके सॉइल है ये पूरे इरोड होने लगेंगे। तो ये सही है, इट रिमूव्स द फाइनर एंड मोर फर्टाइल टॉप सॉइल, और ये टॉप सॉइल इसे इरोड कर देगा, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड कह रहा है बैडलैंड, तो बैडलैंड टोपोलॉजी नहीं होती है इसकी। ओके, अब चलिए इसको जो है और थोड़ा सा इनडेप समझ ले। शीट इरोजन नहीं होते, अलग अलग तरीके के इरोजन होते हैं, तो वो हम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं। देखिए ये देखिए, ये शीट की बात की गई थी, जब बारिश जब तेजी से हो रही है तो इसे बोला गया स्प्लैश। स्प्लैश में जब मोटे मोटे बूंद बूंदे जो होती हैं, जब वो मिट्टी पे पड़ती है तो आपने देखा होगा कि मिट्टी छिटक जाती है और वहां पे छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं, है ना, तो वो जो बोला जाता है इसे स्प्लैश कहा जाता है। इसके बाद ये जो शीट है, अगर बारिश ज्यादा हो रही है तो एक बार शीट के थ्रू पूरा पानी बहने लग जाता है, एक एक एरिया से इस तरीके से, कुछ एरिया में से शीट से बन जाती है। तो ये शीट है, ये हो गया रिल, जब पतले पतले एकदम धाराएं बनी रहती हैं, ये रिल है, और ये गली हो गया। गली में क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे पानी है, रिल बहुत सारा जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, ढेर सारा पानी हो गया, ये पूरा मिट्टी जो है खोद के ले जाएगा और नीचे यहाँ पे आपको नदी या आप लेक या जहां भी है वहां पे ले जाएगा। तो ये गली हो गया, इसमें क्या होता है प्रॉपर यहाँ की पूरी मिट्टी हट जाती है। रिल में ये पतले पतले ऐसे ऐसे होते हैं, शीट का इस तरीके से स्प्लैश मतलब वो बूंदे जब पड़ती है और मिट्टी जब छिटक जाती है उसे स्प्लैश कहते हैं। ये आपको बहुत याद रखना है अच्छे से, तभी आप उस तरीके के जो ऑप्शन से कर पाएंगे। बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन इसमें हो तो हम देख लेते हैं साथ में कि जो फर्स्ट और सेकंड है वो करेक्ट है। जो गली इरोजन है इज कॉमन ऑन स्टीप स्लोप्स, गली डिपेंड्स विद रेनफॉल कट द एग्रीकल्चर लैंड इनटू स्मॉल फ्रेगमेंटेड एंड मेक द अनफिट फॉर कल्टिवेशन। ओके, अ रीजन विच और लार्ज नंबर ऑफ डीप गलीज और रेवाइंस इज कॉल्ड बैडलैंड टोपोलॉजी। ओके, तो अब ऐसे एरिया को बैडलैंड टोपोलॉजी कहा जाता है। तो ये किसमें होता है? गली इरोजन में, ना कि शीट इरोजन में। और गली इरोजन कैसा होता है वो मैंने आपको दिखाई दिया, ये है पर गली इरोजन, ये शीट में नहीं होता, ये गली इरोजन में होता है।
कि कहा गया है बैंड लैंड टोपोलॉजी के बारे में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ लिथिफिकेशन। अब इसमें लिथिफिकेशन की बात की जा रही है, अब इसके लिए लिथिफिकेशन पहले समझना जरूरी है। हम ऐसे ही नहीं बता सकते कि अब इसका क्या आंसर होगा जैसे लिथिफिकेशन क्लियर नहीं। तो चलिए पहले इसका हम इन डेप्थ और अच्छे से देख लेते हैं। अब लिथिफिकेशन जो है, अब देखिए लिथिफिकेशन क्या होता है कि जब यहाँ पे वेदरिंग इरोजन हुआ, बारिश हुई कोई भी कारण, तो यहाँ पे रॉक्स वगैरह जो होते हैं जिसे हम आप फील कर सकते हैं, या फिर आइस वगैरह जब मेल्ट होते हैं ग्लेशियर के थ्रू, तो जैसे हिमालयन रिवर्स है फॉर एग्जाम्पल, चाहे कहीं की भी हो, तो इरोजन करते हुए लाती है पूरी मिट्टी सेडिमेंट्स पत्थर जो होते हैं वो टूटते हैं इस तरीके से और फिर वो नीचे आते हैं। तो उसको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू दिखा दिया गया है, ट्रांसपोर्ट ऐसे हो रहा है। वो विंड हो सकता है, वो आपका रिवर हो सकता है, वो उसके थ्रू हो रहा है। ठीक है, ये सेडिमेंट्स रॉक कैसे बन रहे हैं और फिर डिपोजिशन हो गया, और डिपोजिट हो गया है एक जगह। डिपोजिट कैसे, कि नॉर्मल सी बात है, जब यहाँ पे अगर मान लीजिए पहाड़ के थ्रू से आ रहा है, पूरा ट्रांसपोर्ट हो रहा है क्योंकि हाई हाइट है यहाँ पे लो एल्टीट्यूड की, तब तेजी से पानी बहता है हमें पता है। अब एक बार जब समतल लैंड आ जाएगा तो आप धीरे धीरे डिपॉजिट करने लगेगा, या डिपोजिशन की बात चल रही है। और जब डिपॉजिट हो गया तो धीरे धीरे एक के ऊपर एक लेयर बनते चले आते हैं, लेयर बनते चले आते हैं, वो और प्रेशर के अंदर आके क्या होता है और थोड़ा सॉलिड हो जाता है, उसी का क्या लिथिफिकेशन या सीमेंटिफिकेशन जो प्रोसेस है। इसके बाद और थोड़ा विंटेप देखते हैं। अब देखिए डिपोजिशन क्या होता है, इस तरीके से जो सेडिमेंट्स आए, ठीक है यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिखा है ऐसे करके सेडिमेंट्स यहाँ पे आए हैं डिपॉजिट हुए हैं, तो वो जो रिवर का एग्जाम्पल दिया ऐसे सेडिमेंट आ गए, तो इसको बोला गया लिथिफिकेशन टर्न सेडिमेंट इंटू रॉक। अब ये लिथिफिकेशन का काम क्या होता है, वो टर्न कर देता सेडिमेंट इंटू रॉक। अब देखते सेडिमेंट है, अब ये कॉम्पैक्ट हो गया। कॉम्पैक्ट क्यों हो गया, कि अब इस पे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जब डिपोजिशन होगा तो प्रेशर आएगा, प्रेशर आएगा तो वो जो भी छोटे छोटे पार्टिकल है एक दूसरे पे फोर्स करेंगे और चिपकने लगेंगे, तो इसके कारण क्या होगा ये कॉम्पैक्टनेस। अब ये क्या सीमेंटेशन, अब सीमेंटेशन कब होगा, जैसे इधर ग्राउंड वाटर है ठीक है, जो पानी है, अब वो इसके बीच में आएगा है ना, इसके अंदर पास करने लगेगा। अब उसमें ऑब्वियसली बात है सेडिमेंट्स होंगे, वो सेडिमेंट या फंसते चले जाएंगे। तो ये देखिए उस तरीके से ये सीमेंटेशन हो गया। और अच्छे से समझाता हूं मैं आपको, अब ये देखिए यहां सब और क्लियर होगा। जो ग्राउंड वाटर की यहाँ पे बात की जा रही है, अब ये लेवल देखिए, पहले ये था फिर ये सीमेंटेशन। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे कॉम्पैक्टनेस है, या कॉम्पैक्ट हो गया, ये इस तरीके से कॉम्पैक्ट हो गया है क्योंकि प्रेशर के कारण, ऑब्वियसली बात है। अब ये सीमेंटेशन कैसे हो रहा है, कि अब ये यहाँ पे जो आपको छोटे छोटे गैप्स दिख रहे हैं, अब यहाँ पे क्या है पार्टिकल्स है ग्राउंड वाटर के, अब ये इसके अंदर जाएंगे और ये पे फिक्स हो जाएंगे, इससे क्या होगा सीमेंटेशन हो जाएगा। पहले ऐसा था, प्रेशर बढ़ा और करीब आया, अब जो भी इसमें छोटे छोटे जो गैप्स थे उसको इसके सेडिमेंट्स ने भर दिया, अब ये प्रॉपर सीमेंटेशन हो गया। ठीक है, अब इसका आप आंसर बता पाएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ लिथिफिकेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक थ्रू कॉम्पैक्टनेस ऑफ सेडिमेंट। यस, कॉम्पैक्टनेस ऑफ सेडिमेंट। तो ये इसका आंसर हो गया आपका ए। ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, बाकी तो आपको बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब कर ही दिया है। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कंसीडर द स्टेटमेंट द ऑनसेट ऑफ स्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर पेनिनसुलर इंडिया। अब पेनिनसुलर इंडिया पे वो जब स्टर्ली जेट स्ट्रीम की बात की जा रही है, सेकंड कहा जा रहा है डेवलपमेंट ऑफ हाई प्रेशर इन द रीजन लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय। अब हिमालय जो है वो नॉर्थ पे है, तो उसके भी और नॉर्थ ऑफ हिमालय की बात की जा रही है। यहां बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग वेदर फिनोमिनल आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द विंटर सीजन इन इंडिया। अब देखिए जब विंटर सीजन में ये कौन कौन सी चीजें होती है, तो ये जो डेवलपमेंट ऑफ हाई प्रेशर है, ऑब्वियसली बात है जब विंटर होगा हवा भारी होगी, हवा जब भारी होगी तो जो हिमालयन एरिया है, जो आपका हिमालयन एरिया है वहां पर क्या होगा प्रेशर ज्यादा होगा। जस्ट फॉर द एग्जाम्पल वो जैसे भी बने कश्मीर का एरिया पकड़िए और इधर से हम ऐसे करके यहाँ पे हिमालयन एरिया है, ठीक है यहाँ पे जो है कि हिमालयन एरिया है नेपाल वगैरह, यहाँ पे हिमालयन एरिया है, ये यहाँ के भी हिमालयन एरिया है, तो यहाँ पर क्या होगा ठंड है काफी ज्यादा, तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स है वो हेवी होंगे, तो यहाँ पर उसके कारण क्या होगा सब नीचे सेटल डाउन रहेंगे, एक तो ये रीजन हो जाता है, और यहाँ पे प्रेशर जो है कहीं ना कहीं ज्यादा होगा, और इस साइड जहाँ पे इक्वेटर के पास डायरेक्ट सनरेज पड़ती रहती है यहाँ प्रेशर कम होगा, तो एक हाई प्रेशर टू लो प्रेशर,
ना, ये एक मूवमेंट होगा, तो डेवलपमेंट ऑफ हाई प्रेशर जो होगा इन दिस रीजन, तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ हाई प्रेशर होगा, ये करेक्ट है। कब होगा ये? ठंड के मौसम, करेक्ट। अब सेकेंड अगर देखा जाए तो ऑनसेट ऑफ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर पेनिनसुलर, वो ठंड में होगा। तो क्या ठंड में ये चीज होती है जेट स्ट्रीम? जी नहीं, ये गलत है। ये जो आपका स्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये विंटर में नहीं समर में होती है। अब देखिए क्या है, ये हो गया आपका इंडिया। अब यहां से जो स्टर्ली ये आपके जो आपके मानसून जो आता है वो इस तरीके से स्टर्ली आता है, ठीक है, अलग अलग एरिया में स्टर्ली। क्यों इस तरीके का डायरेक्शन होता है? क्योंकि हमें पता है कि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड ड्यू टू कोरिओलिस फोर्स जो नॉर्दर्न साइड नॉर्थ में है वो इस डायरेक्शन में वहां पे विंड जाएगी, और जो साउथ में वहां पे वेस्ट में जाएगी। तो जो वहां पर आपका जो ऑस्ट्रेलिया साइड है वहां पे वेस्ट में जाया करेगी, यहाँ पे ईस्ट में जाया करेगी। तो इस तरीके से जो होता है, कब होता है ये वाला? ये समर में होता है, कि समर के बाद जो एंडिंग समर है अराउंड जून, मई इंडिया जून के आसपास, ये तब होता है जिसके कारण एक ये 80-90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो ये आपका स्टर्ली विंड है वो जाती है, तो मानसून को लेके जाती है, जिसके कारण बाद में मानसून होता है और जिसपे जिससे बरसात होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सेकेंड ऑप्शन तो है आपका वो करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका रॉन्ग हो गया। तो ये रॉन्ग है, सेकेंड ऑप्शन सही। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी, ये पे इसका आंसर बी है, ठीक है। चलिए, अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी आप नया इनिशिएटिव चाहते हैं या कोई कहीं भी आपको दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपके लिए सब कुछ वो चीज लेकर आए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।